कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए, उस केस में आपको जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें अभी फिलहाल कि वो तीन केसेस हुए हैं और तीन केसेस में पुलिस के द्वारा जो है सो बोल रहे हैं कि अनुसंधान में हमको और पूछताछ की जरूरत है, तो 7 दिन का जुडिशियल रिमांड को माना गया था, लेकिन जज साहब बहुत मशक्कत के बाद चूँकि कुछ चीज़ को कोर्ट के सामने रखी गई तो 24 घंटा के लिए इनको रिमांड पर दिया गया है। 24 घंटा के लिए, इससे ज़्यादा का बात अभी चूँकि मेरिट पर केस पर जब देखा जाएगा तो कुछ धाराएं ऐसी है जो देखने से पता चलता है कि वो धारा आईपीसी में है ही नहीं, ऐसे धाराओं का भी इम्पोजिशन हुआ है, तो सब भी न्यायालय के समक्ष संज्ञान में आया, जिस पर न्यायालय ने करीब थोड़ा सा तेवर जो है सो उस पर अपना रखे कि ये कुछ धाराएं ऐसे है, तो यही निर्देश स्पेशली दिया गया कि आप जो भी नियम पालन है टॉर्चर नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, ये सब कहते हुए न्यायालय ने उनको। सर, सूचना ऐसी बाहर निकल के आ रही कि जो तमिलनाडु पुलिस है वो ट्रांजिट रिमांड पे ले जाएगी, अगर ले जाएगी अभी तमिलनाडु पुलिस की जो भी बात है अभी इस केस में मनीष कश्यप जी के संबंध में सब मनगढ़ंत बात है। अच्छा, वो बात से कहीं कोई लेना देना नहीं है, अभी सिंपल ये बात समझिए कि ये बिहार पुलिस ने जुडिशियल रिमांड से निकाल के पुलिस रिमांड की बात कही है, तो पुलिस रिमांड इनको 24 घंटे का मिला है। 24 घंटे, यही खबर के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए है। मनीष कश्यप की गलती क्या है सर? अब गलत और सही का निर्णय तो न्यायालय देते हैं, इस पर हम लोग क्या? अपराध क्या है सर? अपराध वगैरह के बारे में इन पर जो एलिगेशन है कि इनके द्वारा एलिगेशन यही है कि कुछ ऐसे वीडियो को उन्होंने शेयर किया जिससे ये हुआ, तो यही सब चीज़ है और कोई बात नहीं है, तो उस पर हम लोग का कुछ नहीं, इनका जुडिशियल रिमांड का बात था, वही बात उस पर। जुडिशियल रिमांड मांगते वक्त क्या कुछ कह रही थी यू, किस बेसिस पे मांग रही थी? उनका यही कहना है कि अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है, इसमें कुछ पूछताछ और फर्दर 24 घंटा में वो नहीं हुआ है, तो 24 घंटा का जो है सो इनको और फर्दर टाइम चाहिए, 167 जो है CRPC उस धारा के अंतर्गत इन्होंने कहा है, और माननीय न्यायालय ने उनको जो है सो स्वीकार अभी 24 घंटा के लिए किया है, इतना ही चीज़। सर, मनीष कश्यप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया? ये सब बातें जो है सो कन्फेशनल स्टेटमेंट के बातें कही जा रही, लेकिन इस तरह की कोई बात अभी नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि जब किसी भी व्यक्ति पर केस होता है, अनुसंधान होता है, चार्जशीट होता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट का कोई महत्व नहीं होता है। CRPC की इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है उसमें एक चीज़ समझ कि कन्फेशन बिफोर द पुलिस उसका कोई महत्व नहीं, तो कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट वो भी मनीष कश्यप ने अन्य लोगों की बातें कही जा रही है लेकिन इनके द्वारा नहीं है, तो वो सब तमाम तरह का चीज़ है, जब वो चार्जशीट जमा होगा तब आप लोगों के लिए होगा। अभी फिलहाल यही समझिए कि जुडिशियल रिमांड, हालांकि वो चूँकि ये पूरा केस ही जुडिशियल रिमांड का जो क्वेरी था, जज साहब का ये कहना था कि ये होल केस डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है, वो जुडिशियल रिमांड की ज़रूरत कहाँ पड़ती है वो एक आप जानना चाहेंगे। हमने जुडिशियल रिमांड वो गलत टर्म का दिया, पुलिस रिमांड की बात हो रही है, तो पुलिस रिमांड का जरूरत तब होता है जब कोई अनुसंधान में फर्दर पूछताछ की जरूरत है, मान लीजिए किसी को किसी ने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लाश को कहीं छुपा के रखा, अब वो व्यक्ति को गिरफ्तार हुआ, 24 घंटा में पता नहीं चल रहा है लाश वगैरह का, माने एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ऐसे विकट परिस्थिति में लोग कहता कि कुछ और रहेगा तो हमको कुछ साक्ष्य संग्रह हो जाएगा, इस केस में डॉक्यूमेंट्स पर आधारित केस है, सारा चीज़ एलिगेशन डॉक्यूमेंट्स पर है, यही है कि इन्होंने कुछ वीडियो वायरल किया जिससे दो राज्यों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हुई, ये एलिगेशन है, तो वो डॉक्यूमेंट्स है, वो सारा चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, तो वो चीज़ का जो है सो 7 दिन का जुडिशियल रिमांड, इसीलिए जज साहब ने उनके रिमांड का जो था उनका पुलिस रिमांड की बात जो कही जा रही थी उनको उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा मशक्कत के बाद 24 घंटे के लिए उनको दिया गया। अगर मनीष कश्यप को सजा होती है तो कितनी उम्र? सजा की बात अभी छोड़िए, वो सब ट्रायल में होगा, अभी आप लोगों के लिए खबर ये है कि पुलिस कस्टडी जो होता है वो थोड़ा लोगों के मन में डर होता है, टॉर्चरिंग का एक डर रहता है, तो उस पर उन्होंने कह दिया है स्पेशली कि इनको ले जाने से पहले भी मेडिकल होगा कि इनके जख्म कहीं कहीं दाग धब्बा कुछ ना हो, और उसके बाद जो है इनको जब अपियर कराया जाएगा तो भी देखा जाएगा कि इनके शरीर पर कोई दाग नहीं हो और इनको टॉर्चर न किया गया हो, इसका भी न्यायालय ने मैंने ख्याल रखा है और ये चीज़ उन्होंने कहा है। सर, एक वकील होने के नाते कितने दिनों में बेल हो जाएंगे मनीष? इस सब चीज़ पर मैं अभी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा, ये उचित भी नहीं है अभी वर्तमान परिस्थिति में करना, अभी न्यायिक प्रक्रिया है उस पर रहना चाहिए, लेकिन सामान्यतः केस में हर केस में लोगों को बेल जनरली मिल ही जाता है,
तो यदि आपने कहे तो इसमें चूँकि लोअर कोर्ट में बेल नहीं मिलती है तो सेशन में लोग जाते हैं, सेशन में नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट में मिलता है, तो हाई कोर्ट तक आते आते उम्मीद की जाती है कि ऐसे प्रकरण में बेल मिल ही जाते हैं सामान्यतः। तो यदि हाई कोर्ट में नंबर में आने में 2-3 महीना लगता है तो ऐसे प्रक्रिया में 4-5 महीना का उम्मीद, 4-5 महीना जो है सो प्रक्रियात्मक जो है सो लग ही जाता है, जो सामान्य अन्य केसों की बात में करो, इस केस की बात नहीं। इस केस में भी यदि वही प्रक्रिया में आए तो होगा। सर दोबारा पुलिस फिर रिमांड पे तो नहीं ले सकते? बार बार रिमांड पर क्यों लिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? मनीष, अब उस पर हम जब बयान देंगे तो पॉलिटिकल हो जाएगा, इसीलिए उसके लिए पॉलिटिकल लोग हैं, वो लोग बयान देंगे बेहतर है। वो जो भी चीज़ है आप समझिए, पुलिस कह रही है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है, कानूनी रूप में यही कह रही है, लेकिन वो राजनीतिक रूप क्या है तो वो तो राजनीतिक पार्टी वाले लोग अपना बयान देंगे, आप उन लोगों से बयान लीजिए।